हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एड्यूल्यूमिनिसेंस पर। आज मैं एक और मेडिकल टर्म आपके लिए लेके आई हूँ जिसका नाम है एपिस्टेक्सिस। क्या होता है एपिस्टेक्सिस? ये कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं जो आप अक्सर किसी डिसीज़ के, किसी सिंड्रोम के सिम्टम्स में पढ़ते रहते हैं। तो एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है? जब भी आपकी ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें आपको नोज़ ब्लीडिंग हो रही हो, हम अक्सर देखते हैं ज़्यादा गर्मी के दिनों में या कुछ भी कंडीशंस ऐसी पड़ जाती हैं जिसमें कि नोज़ ब्लीडिंग होने लगती है, उस नोज़ ब्लीडिंग को ही मेडिकल टर्म्स में हम एपिस्टेक्सिस कहते हैं। तो कहाँ से आया ये टर्म, कैसे डिराइव हुआ ये टर्म? ये टर्म डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से जिनका नाम है एपी और स्टेजीन। एपी का मतलब होता है अपॉन, स्टेजीन का मतलब होता है टू ड्रिप और ट्रिपलिंग और ड्रिपिंग, वी कैन से ड्रिपिंग। तो अगर हम कंबाइन करें इन दोनों टर्म्स को तो ये क्या बन जाएगा? एपिस्टेजिन। एपिस्टेजिन का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। तो यही जो टर्म है वो यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग के लिए जो कि नोज से होती है। अब इसके कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं? सबसे कॉमन कॉज तो आप जानती हैं, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब म्यूकस सेल्स बर्स्ट हो जाती है, उस वजह से हो सकता है, या ट्रॉमा हो सकता है, कभी कभी आपको चोट लग जाए उस वजह से, साइनसाइटिस हो सकता है, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है साइनसाइटिस की उससे हो सकता है, हाई बीपी के वजह से भी कभी कभी हो सकता है, और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के वजह से तो हो ही सकता है क्योंकि थ्रोम्बोसाइट्स कम होती है इसमें आपके बॉडी में। और भी इसके कई रीजंस हैं बट ये कुछ स्पेसिफिक कॉमन रीजंस हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।